मंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा बाग प्रिंट के जन्मदाता इस्माइल खत्री के निधन पर शोक व्यक्त। और मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने मंत्रालय में परख कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नर एवं कलेक्टर के साथ चर्चा की। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव। राय खबरें देखें विस्तार से। मध्य प्रदेश में चुनाव खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश भाजपा के कई दिग्गज दूसरे राज्यों में प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। वहीं भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रदेश के बाहर प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उन्होंने लखनऊ में रोड शो किया। इसके बाद वे झांसी और ललितपुर में पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार करेंगे। लखनऊ में शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत के दौरान कहा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर है। लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि देश में 300 कमल जरूर खिलेंगे। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मध्य प्रदेश की हस्तशिल्प कला में ठप्पा छपाई बाघ प्रिंट के जन्मदाता इस्माइल सुलेमान खत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया है। शुक्ल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि खत्री को उनकी कला के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने कहा कि इस्माइल खत्री ने देश विदेश में हस्तशिल्प कला को स्थापित किया है। खत्री का धार जिले के बाघ में 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जनसंपर्क मंत्री शुक्ल ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रदेश के जिलों को ईवीएम की सुरक्षा एवं पारदर्शिता की दृष्टि से स्ट्रांग रूम की वेबकास्टिंग को सुनिश्चित रूप से करवाने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टरों को बताया गया है कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए वेबकास्टिंग को सीईओ की वेबसाइट से लिंक किया जा रहा है। इससे न सिर्फ निष्पक्षता बल्कि पारदर्शिता सबके सामने आ सकेगी। ये जानकारी जिला कलेक्टरों के साथ आज हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांता राव ने दी। इसके पूर्व उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अधिकारी अभिषेक और जिला कलेक्टरों के साथ मतगणना में प्रायुक्त होने वाले जेनेसिस सॉफ्टवेयर के उपयोग के संबंध में चर्चा की। मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस परख में कलेक्टर्स से बातचीत की। परख में जानकारी दी गई कि मध्य प्रदेश में 45 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन हो चुका है। ये गेहूं 6 लाख किसान से खरीदा गया है। प्रदेश में 2985 खरीदी केंद्र के माध्यम से खरीदी कार्य किया जा रहा है। मुख्य सचिव डिसा ने गेहूं उपार्जन कार्य के सुचारू संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों से खरीदे हुए गेहूं की राशि एक सप्ताह में उनके खाते में जमा करवाने को कहा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन के सुरेश, प्रमुख सचिव गृह आर के स्वाई एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे। किशोरों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए विभिन्न विभागों की संयुक्त भूमिका आवश्यक है। इसके लिए मिलकर प्रयास करनी चाहिए। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य प्रवीर कृष्ण ने आज राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला में ये बात कही। कार्यशाला में स्वास्थ्य सहित महिला बाल विकास और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यशाला में ग्राम स्तर पर उपचार सुविधाओं के संबंध में विस्तृत विचार विमर्श हुआ। विशेष रूप से एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए व्यवस्थाएं और बेहतर बनाने पर चर्चा हुई। कार्यशाला को भारत सरकार में उपायुक्त डॉ. सुषमा दुरेजा और NRHM मध्य प्रदेश के संचालक डॉक्टर एम गीता एवं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय की शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉक्टर रश्मि द्विवेदी ने भी संबोधित किया। एमपी लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।